उसका आदमी खतरा कर। हम बोलते हैं कि उस दिन भी यह डिबेट हुआ था कि जब गेट पर दरवाजे के ऊपर पुलिस खड़ी है, गेट बंद है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे, सारा सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी कैमरा को हटा दिया गया। तो लेकिन यहाँ का पुलिस का सबसे बड़ा समस्या है कि राजा बोल रहा है उसी को मानना। ममता बनर्जी यहाँ के अघोषित राजा हैं, बोलेंगे वही सुनना पड़े। मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति जिनका सम्मान पूरी दुनिया के रूप करते हैं उनके लिए अगर बुरे कष्ट डाकों की मुक्ति लगाए तो इसमें पॉलिटिक्स का कोई मैटर होना नहीं चाहिए। लेकिन दीदी मुनि को हर चीज में पॉलिटिक्स करना है, लेकिन हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं करके अगर सही आकार में पॉलिटिक्स करें, और बंगाल जिस तरह से आसान करवा रहे हैं कि इंची इंची बदला देवो, मुझे देवो, एक और देवो, पुलिस की बोल ची मिचिल बेर कोरते देवा जावे ना, वो बोल रही है कि विजय मिचिल नहीं निकलेगा और तृणमूल का विजय मिचिल निकला। तो ममता बनर्जी जी का ही तो बात पार्टी के लोग नहीं सुन रहे, तो पार्टी किस अवस्था में पहुंच रही है। ममता बनर्जी तृणमूल के मुख्यमंत्री हो गई है, आज की तारीख में तृणमूल के पुलिस मंत्री हो गई है, वो पार्ट वो पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री। मोदी जी ने जो दावा किया है तो वो फुलफिल करने का कोई चांसेस तो नहीं, एक जगह पे दो मैं क्या बोला कि सस्ता राजनीति करके बंगाल में अब ममता बनर्जी नहीं टिक पाएंगे। लोग उनके सस्ता राजनीति को समझ चुके हैं और इस पिछले चुनाव में लोगों ने अपना मत दिया है, आने वाले दिनों में भी। आप लोग क्या दूसरा जगह पे प्रधानमंत्री जी का है, उन्होंने कोई बयान दिया है, आने वाले समय में उसका जवाब देंगे।